हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास एलेवेंथ का वीडियो जो मैंने पहला वीडियो आपको बनाया था उसके बाद ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, प्लास्टिसिटी के बारे में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लेंगे। उसके बाद ये आपका सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो में जहाँ तक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसके बाद से जो आपका ये है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या आज हम डिस्कस करेंगे वो समझिए। हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर आपको याद होगा जो मैंने बताया था तो आप हुक्स लॉ समझ जाएंगे, ठीक है। और हुक्स लॉ को समझने के लिए आपको, अब देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुक थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये जो चीज़ें मतलब निकाल के दी थी उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है क्या, बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग बस ये है कि इलास्टिक बॉडी को जब हम क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, तो डिफॉर्मेशन के ड्यूरेशन में जब डिफॉर्म हो रहा होता है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डेवलप होती थी, याद होगा आपको, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है इनके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वही यहाँ पर आपको समझना है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ऑफ एनी इलास्टिक बॉडी। विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आपको ये समझना है इसमें कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, स्ट्रेन के होता है। दिस इज योर हुक्स लॉ, सिंपल, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस पता है, देखो स्ट्रेस का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो बॉडी पे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो अंदर से क्या लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेंथ था कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आता है, चेंज आने की वजह से चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज योर स्ट्रेन। तो जो तुम्हारा चेंज का रेशियो आता है, चेंज का जो तुम्हारा प्रोपोर्शन आता है, वो उसका जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, स्ट्रेस के, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई, मान लो के है, इन टू स्ट्रेन, ठीक है। और यहां पे जो के है, इस के का नाम है, एक के इज कॉन्स्टेंट और इसका नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। के को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज के। अब देखो के जो तुम्हारा है, अब यहां से हम के की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इधर चला गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, के इज कॉन्स्टेंट। ये आपका एक वैल्यू निकल के आया। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब अगर ये इलास्टिक बॉडी है, इसको हम ऐसे डिफॉर्म करना चालू करें तो इसके अंदर जो स्ट्रेस आएगा और इसके अंदर जो स्ट्रेन आएगा, इन दोनों का रेशियो इलास्टिक लिमिट तक क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, हुक्स लॉ, सिंपल। अब अगर मैं इसका ग्राफ एक ड्रॉ करना चाहूँ कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हुक्स लॉ के लिए, तो वो कैसे बनेगा, वो ग्राफ अलग है, वो मैं समझा रहा हूं। यहां एक सिंपल ग्राफ बनेगा, इरेज तो कर दिया लेकिन आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो यहां से एक सिंपल ग्राफ आपके बनेगा, अगर मैं बनाना चाहूं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो ये आपका कैसा बनेगा ग्राफ, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब कि अगर इस पॉइंट पे आपका देखना चाहो स्ट्रेन, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ये आपका स्ट्रेन होगा, और यहाँ पे ड्रॉ कर दो ये आपका स्ट्रेस। इस पॉइंट पर अगर ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ एक वैल्यू, तो मतलब ये है कि स्ट्रेस की ये वैल्यू फर्स्ट और स्ट्रेन की ये वैल्यू फर्स्ट, स्ट्रेस की ये वैल्यू सेकेंड और ये सेकेंड, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, क्या होना चाहिए हमेशा कॉन्स्टेंट, सेम वैल्यू होना चाहिए। तो ये आपका होता है हुक्स लॉ, ठीक है, बेसिक चीज। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आपको समझना है। इसमें कुछ आपके पॉइंट्स होंगे, वो मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस करता चलूंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व,
ये स्ट्रेस सिस्टम का मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही बना दिया है। ये जो आप देख रहे हो ये यही स्ट्रेस सिस्टम कर्व है। ये मैं आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। अब एक एक चीज आप ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। देखो इस स्ट्रेस सिस्टम कर्व में हम क्या कर रहे हैं, एक वायर है, ठीक है, इलास्टिक। उस इलास्टिक मटेरियल, उस वायर को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के टेंसाइल उसमें स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, ठीक है। अब जब उसको हमने खींचना चालू किया तो हम क्या देखेंगे उसमें कि उसको और हम वो फोर्स हटा नहीं रहे हैं, वो फोर्स हम परमानेंटली उसमें अप्लाई करते जा रहे हैं, अप्लाई करते जा रहे हैं, अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाई जब हम करते जा रहे हैं फोर्स को, तो हो ये रहा है कि तुम्हारा एक ग्राफ तुम्हारा क्या होगा, निकल के आएगा। उस ग्राफ को ही हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है, ठीक है। अब वो ग्राफ आप देखिए हम कैसे समझेंगे, आप देखते जाइएगा। मैं पहले क्या बताता हूँ, स्टार्ट मैंने किया, जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स यहां पे लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते ही क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है ये, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का तुम्हारा क्या हो रहा है, ये सीधे बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ, सीधे कहां तक जा रहा है, ये ए तक। अगर मैं इसको ओ मान लूं तो ओ से लेकर ए तक आप देखोगे, ओ से लेकर ए तक ये इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन मतलब कि यहां से लेकर यहां तक, ओ से लेकर ए तक ये किसको फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि ओ से लेकर ए तक इसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हर पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। ये चीज है, फिर और फोर्स लगता जा रहा है, फिर बी। तो देखो ए पॉइंट का नाम इसलिए रख दिया गया है क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट, मैंने एरो लगा के दिखा दिया, ए प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब कि प्रोपोर्शनल हमेशा उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ए का नाम क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, ध्यान रखना है। बी जो ए से लेकर बी है, अच्छा बी का मतलब है, ध्यान समझिएगा, ये इलास्टिक लिमिट तक जाएगा, बी इलास्टिक लिमिट तक जाएगा, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो अब यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेगा। किसी भी इलास्टिक बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते जाते हो तो दो अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर आप ऐसे उसको फोर्स लगाते जा रहे हो, तो वहां तक आपका क्या होगा, जैसे फोर्स आपने लगाना चालू किया तो एक पॉइंट तक होगा कि तुम्हारे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा कॉन्स्टेंट, तो वो भी इलास्टिक लिमिट है, वो भी इलास्टिक रीजन में आ रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा और तुम फोर्स लगाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो अब बैलेंस, अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसके अंदर इलास्टिसिटी है बट स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा, स्ट्रेन थोड़ा उसके प्रोपोर्शन में कमी या ज्यादा, कम या ज्यादा, मतलब कि अब कांस्टेंट रेशियो नहीं रहने वाला, कहां पर, बी पर। बट बी कैसा पॉइंट है, बी तुम्हारा बी, इस बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट बी, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का मतलब कि यहां पर यहां तक, बी तक इलास्टिसिटी का बिहेवियर, इलास्टिसिटी का नेचर मटेरियल शो करेगा, ठीक है। बट ए और बी के बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब आते हैं सी। अब जैसे ही हमने क्या किया, आगे और फोर्स लगाना चालू किया, तो बी से जैसे ही फोर्स लगाया, अब ये प्लास्टिसिटी के टुवर्ड्स जाने लगा। प्लास्टिसिटी याद है, प्लास्टिसिटी में तुम्हारा था कि डिफॉर्मिंग, डिफॉर्म बॉडी होता है डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, तो जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो अब वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अकर नहीं कर पाता, रीगेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो उसकी नेचर को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो सी पॉइंट तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब जैसे ही बी से सी गया, अब सी तक जाते जाते ये किस नेचर को फॉलो करने लगेगा, इलास्टिक नेचर को, सही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो एक डॉटेड लाइन से दिखा रखा है कि ये परमानेंटली सेट हो जाएगा। परमानेंटली सेट होने का मतलब कि इलास्टिक, प्लास्टिसिटी। और अब सी से जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अब क्या होने लगेगा, ये फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ मूव करने लगेगा। किसकी तरफ मूव करने लगेगा, फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक पॉइंट है, डी है, और एक पॉइंट ये तुम्हारा ई है, ठीक। तो फ्रैक्चर, तो ये देखो सी से डी तक एक चीज दिखाई गई है कि तुम्हारा जो अब आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन की ज्यादा वैल्यू होने लगेगी। एक चीज देखो तुम, सी पर यहां पर ये रहा स्ट्रेस यहां से लेकर यहां तक, और सी से डी तक स्ट्रेन देखो जरा, ये तो ना स्ट्रेस ना स्ट्रेन, आ रही बात समझ में। तो ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेस कंपेरिजन में देखो क्या है, बहुत डिफरेंस है,
ये चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि अब जैसे जैसे आप फोर्स लगाना चालू करोगे स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कि हल्का सा फोर्स लगाओगे उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा लेकिन उसके अंदर डिफॉर्मेशन क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, कब? जब इलास्टिसिटी को क्रॉस करके वो प्लास्टिसिटी में चला जाएगा तब। ठीक है, तो ये चीज होने लगेगी और एक धीरे 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 ऐसा पॉइंट आएगा ई पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट जहां पर वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। फोर्स लगाते जाओ तो ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा ना, तुम अपने हाथ से भले ना लगा पाओ, अलग से हम डिवाइस की हेल्प से ये कर सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। फिर से सुन लो, ओ से लेकर ए तक हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, इसलिए ए का नाम क्या होगा प्रोपोर्शनल लिमिट, बी तक इलास्टिक लिमिट रहेगी इसके अंदर, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। तो बी के पॉइंट को क्या बोलते हैं यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। ठीक है, क्योंकि यहां तक इसके अंदर इलास्टिसिटी है, जैसे ही बी से आगे बढ़ेंगे अब वो किधर जाने लगेगा प्लास्टिसिटी की तरफ, तो सी पॉइंट तक आते दिखाया गया है कि वो किधर जा रहा है प्लास्टिसिटी, मतलब अब उसके अंदर इलास्टिसिटी का नेचर क्या हो रहा है डिसअपीयर हो रहा है। फिर और आगे जाते जाएंगे तो अब हमें ये दिखेगा कि हल्के से स्ट्रेस पर स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा, और फिर और आगे जाएंगे तो एक पॉइंट हमें क्या मिलेगा फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट वो स्ट्रेस की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच द वायर विल बी ब्रेक। ठीक है, फ्रैक्चर, तो ये आपका दिखाया गया। तो दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको यहां से कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिए, बाकी आप बुक की थोड़ी रीडिंग लगाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज आपको समझानी थी। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको अगले वीडियो में समझाएंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, इसके कुछ टाइप्स। ठीक है, ओके।